ओम शांति। आज की तारीख है 19/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोले, मीठे बच्चे साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। प्रश्न है, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? उत्तर है, सारी तमोप्रधान सृष्टि को सतोप्रधान सदा सुखी बना देना, ये है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ते ऊंचे बनाए हैं। प्रश्न दूसरा है, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? उत्तर है, पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम और कनिष्ठ बनते माया पूज्य से पुजारी बना देती है। गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। मर्जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। नंबर 2 है, बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। वरदान परमपिता परमात्मा शिव सतगुरु बाबा का दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग के समय एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य आप एक्यूरेट कर सकते हो। स्लोगन है, सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूरत बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम
रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।